वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। लर्न विद स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं स्पेशल क्लास फॉर एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए। जो लोग भी 2019-20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सबसे जो लेटेस्ट पैटर्न हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 का पेपर, जो प्री का पेपर हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है जो सीजीएल, जो लोग भी सीजीएल देने वाले होंगे 2019 में, क्योंकि उनका ऑलरेडी पता चल चुका है कि एग्ज़ाम का डेट क्या है, 2 मार्च से 16 मार्च के बीच होने वाला है। तो वो उनको क्या करना चाहिए कि जो 21 पेपर हुए हैं सीजीएल 2018 में उसको सोल्व करके उनको जाना चाहिए। और मैं ऑलरेडी ये 21 पेपर सोल्व करा रहा हूँ अपने चैनल पे। 3 पेपर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ 6 वीडियो में। तो अगर जो लोगों ने नहीं देखा है वो ऑलरेडी देख सकते हैं अपने, मेरे चैनल पे क्या है प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं 21 पेपर सॉल्यूशन का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और 7 लेक्चर, ये है लेक्चर 8 जिसमें हम कर रहे हैं पेपर 4। कब पूछा गया पेपर? तो 6 जून 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। और जो लोग चाहते हैं कि पीडीएफ भी मिल जाए उनको सीक्वेंस वाइज, इस सारे जो मैं करा रहा हूँ पेपर, जो मैं क्लास में लेक्चर्स, उसकी पीडीएफ मिल जाए, तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी आपको मिल सकता है ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। चलिए देर नहीं करते हमें स्टार्ट करते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपने देखा होगा लेक्चर 7 में मैंने 1 से 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो हमारा लेक्चर 8 होगा, जो लेफ्ट बचे हुए, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो जो लेफ्ट बचा हुआ 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पिछले क्लास हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो था छूट गया था, मिसिंग हो गया था, तो उसको मैंने सबसे पहले ले कि आपको उसको सोल्व कराना चाहूँगा। ये क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 20% 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइज एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर लेट सपोज मैं कॉस्ट प्राइज अगर 100 मानता हूँ तो क्या कहा जा रहा है कि मार्क प्राइज जो है वो 40% ज़्यादा है, यानी 100 का 40% 40, यानी मार्क प्राइज कितना हो गया 140। अब क्या कहा जा रहा है कि वो 25% डिस्काउंट दे रहा है मार्क। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइज पे 25% डिस्काउंट। तो 140 का 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, यानी 35 रुपये का उसने क्या दे दिया, 35 यूनिट का डिस्काउंट। तो 140 में से 135 घटाऊं तो कितना हो गया, 105 यूनिट में बेचा होगा। अब बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 105, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का प्रॉफिट, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में उसको, 5% का क्या हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था, मैंने इसको कवरअप कर दिया। और नेक्स्ट 1 से 13 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी लेक्चर 7 में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये है लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं 14 जो लेफ्ट बचे 25। ऑलरेडी 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये है पेपर 4 आपका, ये लास्ट, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 पेपर में से 4 पेपर आपके आज फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा 5वां पेपर आपको मैं कल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, 1 by 1 आपको सीक्वेंस वाइज आपको 21 के 21 पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ मैथ सेक्शन के, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। कहा जाए कि वेन एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर इतना 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 सो डैट ऑब्टेंड इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना। देखिए हम मेन फोकस करेंगे कि जो हमारा आंसर क्या है मीन प्रोपोर्शन पे। अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहो तो ऐसे लिखोगे, कहा जा रहा कि 21 नंबर है, 22 है, 60 और 64, इसमें से क्या माइनस करें, मान लेता हूँ x माइनस करें, सभी में से x माइनस करें तो प्रोपोर्शन हो जाए। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसके डिवाइडेड बाई इतना, 21 - x / 22 - x = ये डिवाइडेड बाई ये, यानी क्या हो गया 60 - x / 64 - x। तो अब इसको सोल्व करोगे फिर x की वैल्यू आएगी, और पूछा गया हमारे पास कि x - 1 x + 1 और 7x + 8 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दो नंबर अगर ए बी हो तो मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, यानी इन दोनों का रूट, और उसके बाद यहां से x की वैल्यू डालोगे। तो ये बेसिक वे हो गया, बेसिक मेथड हो गया। अगर हम स्मार्ट तरीके से यूज करें कि स्मार्ट वे क्या हो सकता है,
तो डायरेक्टली हमें पता है कि इतनी जरूरत नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में निकालना है उसी पे हम काम कर लेते हैं। अंदर उठ क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया कि x प्लस वन और 7x प्लस 8 का मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा, इन दोनों का रूट, यानी x प्लस वन इंटू 7x प्लस 8। अब देखो इसी की वैल्यू आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, तो हम क्या x की वैल्यू अपने एज्यूम से, मैं सपोज करूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड से कि x की वैल्यू 1 लो, जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15, 15 और 2 30, क्या 30 को रूट से निकालूंगा तो कभी ये आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी अब उसी तरह से x की वैल्यू 2 ट्राई करूँ तो 2 रखूंगा तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 14 8 22, 22 3 66, रूट 62 भी बाहर निकालोगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसी तरह से हमें हीट एंड ट्रायल करते जाना है। जैसे ही देखो मैं, अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ तो ये डायरेक्टली पता चलेगा कि 9 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 8 सात 56, 56 और 8 कितना हो गया 64, और इसको मैं बाहर निकालूँ क्योंकि अब रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 8, और 3 इंटू 8 क्या 24, कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये फास्ट करने का तरीका है, अदरवाइज बेसिक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालो फिर एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो आ जाएगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या कहा गया, जी इज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वेयर ए बी बी सी एंड सी ए आर 7, 24 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, देन बी जी इज, देखिए अब ये देख के पता चल रहा है, आपने अगर मेरे ट्रिगो का सेशन देखा होगा 70 डेज मैथ कोर्स का, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि 7, 24 और 25 ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ट्रिपलेट तभी हो सकता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो देखो 7, 24 और 25 दिया गया, यानी ट्रायंगल जो हम बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्या है ये, ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, दिया गया है ये क्या होगा 90 डिग्री। कैसे मेरे को पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डेफिनेटली पता चल जाएगा क्योंकि उसकी साइड दी गई है 7, 24, 25, तो ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट तभी पॉसिबल है जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो, और यानी कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब देखिए क्या कहा गया है, ए बी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, बी सी दिया गया 24 और ए सी दिया गया 25। अब हमसे कहा गया है कि जो जी क्या है, जी है सेंट्रॉयड। अब सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है, अब सेंट्रॉयड क्या, जैसे मैं यहाँ से एक मीडियन डालूँ, ये पॉइंट मान लेता हूँ डी, तो सेंट्रॉयड का मतलब, सेंट्रॉयड कैसे बनता है, मीडियन को मिलाने से, ये एक मीडियन है, दूसरी मीडियन यहां से मिलती, तीसरी, तो सेंट्रॉयड इसका क्या है, जी दिया गया है। और आप पढ़ चुके हो क्योंकि मीडियन जो होता है वो क्या करता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, तो ये टोटल 25 था, तो दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाला ये 25/2 ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 25/2, और आप सब, तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 25/2। अब ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप मेरी 70 डेज मैथ कोर्स की ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी देखे होंगे। मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो देखो ये एसी टोटल कितना था 25, तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 25 25 25, और ये ऑलरेडी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो मैं ये भी क्या हो जाएगा, जो मीडियन होगा वह भी 25। और अब देखिए ध्यान से, अब मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये क्या है सेंट्रॉयड, आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रॉयड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमसे पूछा क्या गया, इसकी लेंथ, ये BG जो यहां से यहां तक है, ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है BG, तो BG क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कितना यूनिट है, 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, और BD की लेंथ कितनी दी गई है 25/2, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी से यूज कर लिया, ये लेंथ है, लेंथ इक्वल होगा तो ये भी लेंथ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी 70 डेज मैथ कोर्स में कराया हूं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी BG का लेंथ कितना हो गया 25/3, 25/3 का मतलब क्या हो गया 8/1/3 सेंटीमीटर, कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ये तरीका नहीं करना चाहते तो रेशियो मेथड से कर सकते हो। रेशियो मेथड क्या, देखो ये टोटल कितना यूनिट है, 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 35/2, तो BG ये वाला लेंथ कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू
35 अपॉन 2 अपॉन 3 कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन क्या हो जाएगा 6। हमें दो यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो दो यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 35 अपॉन क्या हो जाएगा 6, दो से तीन क्या हो गया 5, यहां पे 25 था ना, 25 25, ये क्या हो गया 25, तो 25 अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया 8, सही 1 अपॉन 3। तो चाहे आप यूनिटरी मेथड लगा दो, चाहे आप डायरेक्टली ये तरीका यूज कर लो, दोनों तरीका मैंने 70 डेज मैथ कोर्स वाले में सेक्शन में कराया हूं। जिनको भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या करो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, 70 डेज मैथ कोर्स के सभी टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। मैथ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराया गया, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप सारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए, वाई इज इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए, तो हमसे वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका। देखो दो तरीका है इसको करने का, पहला मेथड वन। मेथड वन क्या है, बेसिक अप्रोच से कैसे कर सकते थे। देखो जैसे ही आप ये देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को के होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करोगे। तो अगर ये है तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। एक्चुअल में निकालना क्या है, सिर्फ ये। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू क्या, एक्स माइनस वाई। अब देखो हमारे पास दिया गया था कि x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 1 बाई ए, और y इज इक्वल टू क्या है, a माइनस 1 बाई ए। हमें x प्लस वाई जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा तो कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा, ये यानी 2a आ जाएगा, यानी x प्लस वाई के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2a इंटू एक्स माइनस वाई। अब जब इन दोनों को माइनस करूंगा x माइनस वाई, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए क्या होगा, 2 बाई ए हो जाएगा, यानी जब x माइनस वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई ए, ए से ए कैंसिल, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक और मेथड है, मेथड 2 हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से अप्लाई कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिएगा हमारे पास दिया गया कि x इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए और y इज इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए। हम a की वैल्यू क्या कर लें, a की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी x की वैल्यू 2। a की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी y की वैल्यू क्या हो गया 0। तो यानी a की वैल्यू 1 डाला तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, कोई जो नहीं है, मैंने 1 2 भी आप यूज कर सकते हो, 3 भी, बस ऐसी वैल्यू रखना जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, अंदर और देखो 2 पे, अब ये जो है हमारा इस पे हम रखते हैं तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 0 0 माइनस 2 इंटू यहाँ पे देखो y है इसके अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी क्या आ गया अंदर वो 2 पे पावर 16 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 4, यानी 16 की वैल्यू क्या हो गई 4। तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर पाइप इज इतना, उसकी वॉल्यूम क्या दी गई है, कितना है 7480 क्यूब। इफ द लेंथ इज 1.4 मीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर देन द थिकनेस, इट्स थिकनेस इज, यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7। देखो ये क्वेश्चन सभी टीचर ने आपको ये फॉर्मूला कराया होगा कि अगर कोई भी मेटालिक इस तरह से सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर का मैं आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस 9 दिया गया, यानी बाहर वाला रेडियस, ये वाला यहां से यहां तक ये क्या होगा, रेडियस होगा, यानी ये जो कैपिटल आर दिया गया है वो कितना है 9 सेंटीमीटर, जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं।
अब देखो, इसकी एक छोटी मेटालिक है, तो ये वाला इनर रेडियस, इनर रेडियस ये वाला, इसको हम मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं तो स्मॉल आर नहीं पता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या होता है, मोटाई, मोटाई कौन सा रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा, ये वाला लाइन मोटाई, क्योंकि देखो ये टोटल कितना है, देखो मैं अब इस तरह से दिखाऊंगा, ये बाहर पिक्चर दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, बाहर वाला ये टोटल कितना है, 9 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, स्मॉल आर है, तो हमें थिकनेस सिर्फ यही वाला हो जाएगा, ये वाला थिकनेस, और यही थिकनेस निकालना है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, अगर इस तरह का केस हो, ये कैपिटल आर टोटल हो, तो फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। अब इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दो केस बताया था, ये जो वॉल्यूम, जैसे ये कंडीशन कब आता है ये भी बताता हूं, और इसका दोनों का याद करने का भी तरीका क्या है। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इस तरह का केस है, अगर ये इनर रेडियस आर है और ये वाला कैपिटल आर है, तो इस केस में वॉल्यूम क्या होता है, ये, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आप पढ़ चुके हैं, स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, तो r की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, r³ माइनस स्मॉल r का क्यूब। ये जो ये फॉर्मूला है, ये क्या है, इस तरह का अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर मेटालिक सरफेस हो इस तरह से, तो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन आप सिलेंडर का क्या पढ़ते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, यही पढ़ते हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो बस सिर्फ यहां पे आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πh यहां पे लिख लो, और r², ये जो r² था ना, इसको कन्वर्ट करोगे क्या, कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², तो आप डायरेक्टली याद करने का ये तरीका है, और ये सभी टीचर ने आपको ये वाला कराया। तो हम यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये किसका है, ये वाला, जब हमारा क्या हो, स्फीयर हो, सॉलिड मेटालिक स्फीयर हो इस तरह से, तो आप ये वाला यूज करते हो, लेकिन अगर ये सिलेंडर मेटालिक हो तो आप इस तरह से यूज करते हो, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, बस इसी पे यूज करना था। और थिकनेस दी, ये जो हाइट है ये दी गई है, हाइट कितना है, 1.4 मीटर। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, तो वॉल्यूम क्या होता है, πh, यानी कि ये वाला। अब ये देखो आंसर हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में है, और ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर, यानी 140 इंटू कैपिटल आर दिया गया है, कितना है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 का, 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्मॉल आर, ये रेडियस पहले निकाल दें, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, फॉर्मूला से हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया। अगर यही इस तरह से रहे, स्फीयर रहता, तो ये वाला कंडीशन लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिलेंडर। और याद करने का भी तरीका आपको बता चुका हूँ कैसे याद करना है, और ये सारी, ये 70 डेज मैथ कोर्स में मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ दोनों के केस का, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकाल दे, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 7480 क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है, 140 इंटू 81 माइनस r². यहाँ से पहले मैं स्मॉल r निकाल दूंगा, क्योंकि ये टोटल दिया गया है 9, ये वाला अगर मेरे को मिल जाए स्मॉल r, तो हम ये वाला थिकनेस इजिली निकाल सकते हैं कि ये वाला मोटाई क्या होगी, बस। अब देखिए ध्यान से, मैं कैंसिल करूँ, 7 से काटूंगा तो ये कितना हो गया 20, 2 से काटता हूँ तो 2 से काटूंगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 से 10 से 10 कैंसिल पहले कर लो, और 2 से मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 22 से काटूँ तो 22 और 22 × 7 यानी 17 बार में कैंसिल हो गया, यानी 17 = 81 माइनस r², और r² कितना हो गया, 81 - 17 यानी 64, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से,
मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये टोटल बड़ा लेंथ कितना है 9, स्मॉल ये वाला लेंथ कितना आ गया आपको 8, तो मोटाई जो थिकनेस है ये वाला, ये कितना हो जाएगा 1 4 8 रह जाए, 1 रह जाएगा, तभी तो टोटल 9 है ये 8 है, तो ये थिकनेस कितना रहेगा 1, तो 1 सेंटीमीटर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ से क्लियर पिक्चर से दिखाता हूँ तो देखो ये टोटल कितना है 9, ये वाला कितना आया 8, तो बताओ ये वाला जो अंदर वाला ये वाला यही तो निकालना था हमें, कितना हो जाएगा 1 यूनिट, बस आंसर आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, इस अगले ये केस में पूछा गया, हो सकता है इन फ्यूचर आपसे ये वाला केस पूछा जा सके। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको कराया हूँ, अगर आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स देखा होगा तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, दिया गया द सेक इतना इनटू इतना की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दो क्वेश्चन ये आसान बहुत है, क्वेश्चन आसान क्या है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ साइन कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लूँ, तो देखो सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू इधर रहने दो, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूँ एलसीएम लेकर के, चलो एक स्टेप्स मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ, एक मिनट देखिएगा, एक स्टेप्स बढ़ा ही देता हूँ थोड़ा सा, देखो एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं अब करने जा रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया, और जैसे ही बाहर निकालूंगा तो 1 अंदर, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या निकलेगा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या निकल जाएगा कोस थीटा इंटू, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड है कॉमन कर लूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इससे क्या निकल के आएगा बाहर साइन थीटा, इससे भी बाहर निकल के क्या आएगा साइन थीटा, और नीचे क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा है बाहर निकल के आएगा क्या रूट से, तो कॉस थीटा, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये क्या बचा ऊपर साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो साइन थीटा ऐसे ही रहने दो इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा होता है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कौन सा आंसर मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाहोगे तो इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करो, और बस वैल्यू पुट करते समय ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसी वैल्यू ले लेना जो कंडीशन को अनसेटिस्फाई करना शुरू कर दे, तो वो हम ले नहीं सकते। ठीक है, जैसे देखो मैं बात करूँ थीटा की वैल्यू ना तो हम जीरो, इस केस में थीटा की वैल्यू ना तो ही हम जीरो ले सकते हैं ना ही थीटा की वैल्यू 90, क्यों, क्योंकि सेक जीरो अनडिफाइंड होता है और टेन क्या होता है अनडिफाइंड, तो सेक थीटा भी दिया गया टेन थीटा भी, तो जीरो ये नहीं ले सकते हम, 30, 45 और 60 में कोई लेकर के हम बना सकते हैं, बस कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन हमने आसानी से जब हम ऐसे ही कर सकते हैं तो नो नीड टू की वैल्यू फुट, जब आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप लगा सकते हो, मैंने मेरे को यहाँ पे जब मैं बना रहा था तो मेरे को यही बेटर लगा तो मैंने इस तरह से कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में सभी टीचर कराते हैं आपको, देखिए क्या दिया गया कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट बी, ट्रेपेजियम कहा गया है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरलर है किसके सी डी के, यानी ये वाला क्या होगा सी डी पैरलर, मैंने एरो जब भी रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता हूँ पैरलर के लिए, इसके डाइगोनल, इसका डाइगोनल कौन सा हो गया ये वाला,
और इसका डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला। ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, पी पे। आगे बढ़ते हैं, ए पी इज इक्वल टू 3x माइनस, ए पी कितना दिया गया, ये वाला लेंथ ए पी दिया गया है आपसे 3x माइनस 1। आगे पी सी, पी सी ये वाला लेंथ, ये कितना दिया गया है 5x माइनस 3। बी पी, बी पी यहाँ से दिया गया 2x प्लस 1। बी पी ये वाला लेंथ दिया गया है 2x प्लस 1, और ये वाला लेंथ पी डी, पी डी दिया गया 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 ये वाला लेंथ दिया गया है, और इंटरसेक्ट पॉइंट पी पे। सभी, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने ये प्रॉपर्टी नहीं बताया होगा आपको कि कोई भी ट्रेपेजियम इस तरह की ट्रेपेजियम है जिसका ये दोनों लेंथ पैरलर है और दोनों का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है पी पे, तो उन्होंने सभी लोगों ने पढ़ाया होगा कि ए पी यहाँ से स्टार्ट करता है, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बी पी अपॉन डी पी। ये प्रॉपर्टी सारे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो मैंने, अगर आपने देखा होगा मेरा 70 डेज मैथ कोर्स ज्योमेट्री का 35 वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी कराया हूँ। चलो अब लिख लेते हैं, ए पी कितना है, ए पी है 3x माइनस 1 अपॉन पी सी कितना है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, बी पी कितना है 2x प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 5। अब इसको हम सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें डी बी की लेंथ चाहिए ना। पहले डी बी के लिए क्या चाहिए, हमें एक्स निकल जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँगा 6 इंटू 3 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x और माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, माइनस 6x है, 6x इधर माइनस 6x कैंसिल, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 15 माइनस 15x है 5x है, अगर इधर आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 20x, और 5 इधर है और 3 ये इधर आएगा तो पॉजिटिव यानी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चार से कैंसिल कर दूँ तो 4 से कैंसिल करूँगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब चलो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो अब देखो सोल्व कैसे करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका जो सम हो वो 5 के ब्रेक में हो जाए, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 4 से मैं डिवाइड करूँ तो 4 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका सम करो या डिफरेंस लो तो 5 आ जाए, तो 4 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन करूँ तो x माइनस 2 माइनस, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन कर लो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक बार इसको 0 करूँगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक बार इसको 0 करूँगा तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन कहा गया BD का लेंथ फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में BD का लेंथ, अब बताओ BD का लेंथ क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा क्योंकि ये वाला लेंथ इतना है और ये वाला इतना, तो कितना होगा 6x प्लस 2x 8x प्लस, अब देखो माइनस 4 है प्लस 1 है यानी क्या हो जाएगा 8x माइनस 4, यही है BD की लेंथ और BD की लेंथ। अब एक बार x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 दूनी 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, अगर x की वैल्यू माइनस 1/2 रखता हूँ तो 8 इंटू माइनस 1/2 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। अब बताओ BD की कुछ तो कुछ लेंथ होगी, 0 तो होगा नहीं है क्योंकि ये BD ये लाइन है, तो ये वाला केस अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन कौन सा मैच कर गया बी, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान था, ऐसा नहीं था कि कुछ क्वेश्चन में आपको करना था एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, कहा गया है 12 cot square theta minus 31 cosec theta plus 32 is equal to 0 when theta 0 is equal to इतना, then the value of tan theta, tan theta की value find out करनी है। देखो आपने पढ़ चुके हैं, एक क्या पढ़ चुके हैं कि cosec square theta minus cot square theta क्या होता है 1, तो मैं यहाँ से लिखूँ कि cot square theta क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा cosec square theta minus 1, तो यहीं पे रखूँगा cot square theta, कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या मैं रखूँ ये, देखो तो 12 है, कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रखूँ ये,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैं इसको क्या करूँ, बस देख लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, बस ये चेक कर लेने दीजिएगा। 31 है, अगर मैंने कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 हो गया, ठीक है ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। 31 कोसेक थीटा और ये देखो माइनस 12 है और प्लस 32 है, माइनस 12 और प्लस 32 कितना हो जाएगा 20, प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं, 12 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 20 का मल्टीप्लाई कितना होगा 240, 240 को हम ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करें जिसका सम कितना हो 31 हो। तो आपके अंदर माइंड में चलना चाहिए 15 इंटू 16 कितना होता है 240, कैसे 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 6 90, 150 और 90 240, और 15 और 16 का सम कितना होता है 31। तो बस इसको हम ब्रेक कर लें, देखो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 कोसेक थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में मैं क्या कॉमन करूँ, 3 कॉमन करूँ तो 3 कोसेक थीटा ये क्या बन जाएगा 4 कोसेक थीटा माइनस 1, 4 कोसेक थीटा माइनस 5, और इन दोनों में मैं अगर कॉमन कर लूँ 4 तो माइनस 4 कॉमन कर लूँ, या माइनस 4 कॉमन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 कोसेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक बार ये क्या बन जाएगा 4 कोसेक थीटा माइनस 5 इंटू 3 कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं इसको जीरो करूँगा तो ये क्या होगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4, इसको मैं जीरो करूँगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए ध्यान से, कोसेक थीटा होता क्या है h बाई पी होता है, तो b निकल जाएगा ट्रिपलेट से क्योंकि h की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 3 है, तो ट्रिपलेट से b की वैल्यू इतना, और यहाँ पे देखो h इतना है और b ये कितना है, कोसेक थीटा होता है h अपॉन p, तो h 4 है और b p इतना है, तो b निकाल दूँ तो b क्या हो गया h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी b की वैल्यू √7। अब दोनों केस में यहां से देखो हमें पूछा गया टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा होता क्या है पी अपॉन बी, इस वाले केस से पी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, यानी एक में टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आएगा, देखो 4/5 है पालक में, 5/4 है नहीं हो सकता, लेकिन 4/3 यहाँ पे भी है, 4/3 यहाँ पे भी हो सकता है। दूसरे के केस में टेन थीटा पी बाई बी, पी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी है √7। अब देखो √7 है लेकिन √7 को इस फॉर्म में दिया गया, मैं क्या करूँ √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया 3√7/7, तो टेन थीटा की वैल्यू एक ये और एक ये दोनों किस में मैच कर रहा है 4/3 और ये, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दो वैल्यूज करनी थी इसलिए, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखो ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, सभी टीचर ने कराया है क्वेश्चन ये, ए एंड बी ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए टेक्स एंड बी टेक्स इतना एंड इतना, ए जो है इतना आवर लेता है और बी जो है कितना आवर लेता है इतना, एंड टू रीच द डेस्टिनेशन क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ बी इज इतना देन द स्पीड ऑफ ए इज, बी की स्पीड दी गई है इतना तो ए की स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास पी क्यू दो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, कहा गया कि ए जो है कोई ए यहां इधर से चलना स्टार्ट करता है और बी इधर से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ए और बी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एक बी की स्पीड दी गई है कितना है 16.8 किलोमीटर पर आवर, कहा जा रहा है जब ए चल रहा है
एक पॉइंट के बाद आकर के आफ्टर क्रॉसिंग, मान लो यहां पे एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, यहां के बाद ए का यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया गया, टाइम ऑफ ए कितना दिया गया, वो कितना लेता है 6 ही 1 अपॉन 8 यानी 8 से 48 49 49 बाई 8 आवर लेता है। अब क्यू के बारे में कहा जा रहा है कि बी जो यहां से चला यहां पे क्रॉस करने के बाद वो यहां से यहां टाइम ले रहा है टी बी जाने में पहुंचने में, और ये वाला टाइम यहां से यहां तक आफ्टर क्रॉसिंग का टाइम उसका कितना है 8 आवर। तो ये सभी लोगों ने, सभी टीचर ने फॉर्मूला बताया है कि एस ए अपॉन एस बी क्या होता है, अंदर रूट लिखते हैं ये वाला इसका टाइम यहां पे लिखते हैं टी बी अपॉन टी ए, एस ए एस ए निकालना है, एस बी एस बी कितना दिया गया है स्पीड ऑफ 16.8, अंदर रूट टी बी कितना दिया गया है 8 अपॉन 49 बाई 8, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी देखो मैं यहां से लिखूं एस ए अपॉन 16.8 इज इक्वल टू यहां से एक 8 निकल जाएगा और 49 का 7, तो एस ए की वैल्यू क्या हो गई 16.8 इंटू 8 अपॉन 7, 7 से मैं कैंसिल करूं 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 2.4, 24 वाटा कितना होता है 24 वाटा होता है 192 और एक अंक में डेसिमल है, यानी एस ए की स्पीड क्या हो जाएगी 19.2 किलोमीटर। और ये फॉर्मूला सभी टीचर ने कराया है, अगर मेरे भी चैनल पे आप जाकर के देखोगे तो 70 डेज मैथ कोर्स में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसमें ये फॉर्मूला मैंने कराया है, और कैसे आया है ये फॉर्मूला वो भी मैंने बताया हूँ प्रूफ करके। तो हर जगह तो प्रूफ नहीं करोगे, एग्जाम में प्रूफ नहीं करने चलोगे ना, डायरेक्टली यूज करना सीख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन जो आएंगे आपके 22, 23, 24 और 25 ये जो क्वेश्चन होंगे डीआई के क्वेश्चन होंगे, और डीआई के क्वेश्चन सारे लोग डरते हो डीआई के क्वेश्चन से, डीआई का क्वेश्चन इतना आसान, मतलब आपके अगर मैं बात करूँ एसएससी के पेपर में तो उतना टफ नहीं होता, डीआई का पेपर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं तो अब आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। द टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ 5 कार कंपनी इन द 5 ईयर। देखो ये 5 टाइप के ए बी सी डी ई 5 टाइप के कार हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिया गया 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। ये डाटा का हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस डेटा का करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार इन 2015। अब देखो जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारा दिया गया है। कहा गया है देखिए ध्यान से कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार इन 2015, 2015 में टाइप सी कार की बात किया गया यानी 53। आगे बढ़ते हैं एंड टाइप डी कार इन 2017 टेकन टूगेदर, टाइप डी कार इन 2017 में टाइप डी कार इतना, इन दोनों का सम करूं तो 50, देखो कैसे जोड़ूंगा 50 और 60 110 और 7 3 10 120 हो गया। आगे बढ़े टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन 2016 एंड टाइप ए कार इन 2017, टाइप बी कार इन 2016 में टाइप बी कार कितना है 47 और 2017 में टाइप ए कार, 2017 में टाइप ए कार, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4 4 8 यानी 40 40 80 और 7 3 10 90, और इन दोनों का क्या पूछा गया था रेशियो कर लो, 10 से 10 कैंसिल, 3 4 12 लिख के 9 4:3 रेशियो आ गया, कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इतना वही डेटा तो वही है, कहा गया इफ द डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कार 2018, कार 2018 की बात किया गया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, कि कार 2018 को पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, देन सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार विल बी। देखो हमारे पास दो डाटा दिया गया, कहा गया कि 2018 में, अगर 2018 को देखो 2018 को क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया गया है एज ए पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब क्या है, इस तरह से फॉर्मेशन किया गया है, इस तरह से पाई चार्ट का मतलब यही होता है, और उसमें टाइप सी कार का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, टाइप सी 2018 में, टाइप सी 2018 में टाइप सी ये वाला होगा क्योंकि ये 2018 की बात किया गया है, तो 54 आउट ऑफ कितना 2018 का पूरा, क्योंकि पूरे की रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट का, तो अब इसको मैं ऐड करूंगा, देखो कैसे ऐड करूंगा,
40, 30, 70, 70, 5, 120, 120 और 6, 180, 180 और 7, 250, और 250 हो गया, और 8, 4, 12, और 12, 8, 20, 250 और 20 कितना हो गया, 270। और आपको पता है कि अगर रिप्रेजेंट करेगा पाई चार्ट को तो पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का। अब मैं कैंसिल कर लूँ, 10 से 10 कैंसिल, 27 इंटू 2 54, 36 इंटू 2 72 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और क्योंकि आपने 1, 2, 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके, हम ये नया नहीं रह गया आपके लिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी इन 5 ईयर, एवरेज प्रोडक्शन पांच टाइप डी में पांचों ईयर का, टाइप डी है पांचों ईयर, ये रहा इनका एवरेज। अब एवरेज क्या होगा, इन सभी का सम डिवाइडेड बाई पांच। देखो तो मैं जोड़ रहा हूं, 40, 50, 90, 90, 50, 9, 5, 14, 140 और 60, 200, 200 और 6, 200 और 6, 260, 260 और 6, 4, 10, 260 और 10, 270, 270 और ये 15, 270, 10, 80, 285 हो गया, 285 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, 285 सम हो गया, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने नंबर है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर हैं, तो 5 से डिवाइड करूं तो 5 25 5 25 5 7 35, यानी रुक जाओ, 5 25 कितना हो गया, 25 करूंगा तो 3 5 7 35, ठीक है। 57 क्या हो गया इसका एवरेज, ये क्वेश्चन में जो कहा गया था, इज व्हाट परसेंट लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ई कार इन 2018 में, टाइप ई कार, ई कार ये है 70, इससे ये कितना लेस है बताओ, कितना लेस है, 70 में से 57 घटाऊं तो कितना हो गया 13, किससे कंपेयर किया जा रहा है इससे, यानी 70 परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 130 अपॉन 7। अब मैं कभी भी हमेशा क्या करता हूं, देखो कैसे मैं आंसर तक पहुंचूंगा, 7 इकाई 7 कितना हो जाएगा 60, कितना बार में जाएगा, 7 7 49 7 8 56, 18 पॉइंट समथिंग होगा, 16 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 17 पॉइंट है, 18 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन आएगा, आंसर कौन सा मैच करे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये पेपर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, वही है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन ऑल 5 ईयर, टाइप बी कार टोटल प्रोडक्शन, टाइप बी, टाइप बी है पूरा का पूरा ईयर ये लेना है। चलो मैं जोड़ लेता हूं, देखो 50 और 40 90 90 40 130 130 और 50 180 180 और 40 8 4 12 220 220, तो ये हो गया, और 5 4 9 9 7 16 220 और 16 236 हो गया। आगे बढ़े, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए बी एंड डी इन 2017 में ए के बारे में बात किया गया है, बी के बारे में बात किया गया और डी के बारे में। अब इन तीनों को जोड़ूं, देखो 50 और 40 90 90 और 6 150 और 7 157 सॉरी मैं क्या कर रहा हूं देखो 50 और 40 90 90 और 60 कितना हो गया 150 150 और 7 इधर बच गया, 7 यहां पे रह गया और 3 यहां पे, 150 और 10 कितना हो गया 160। अब क्वेश्चन कहा जा रहा था कि ये इससे कितना, कहा गया कि व्हाट इज मोर देन द इससे, ये इससे कितना ज्यादा है, अब कर लो तो 76 ज्यादा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है इससे, 160 से, परसेंटेज में करने के लिए 100, 10 से 10 कैंसिल, 4 से काटूं तो 4 4 16 25 25 इंटू 7 कितना होता है 1 25 6 150 25 1 इतना अपॉन 4, 4 से मैं भाग करूं तो 4 चौके 16 हो गया, कितना बचा, क्या कर रहा हूं, ये 56 है, ओहो सॉरी सॉरी, ये कितना है, ये है ना
चलो फिर से मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गई। देखिए 76 अपॉन 160 इंटू क्या है 100, ये 76 है नॉट्स, ये है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, चार से करूं तो चार से कर लूं चार चौके 16, 19 चौ 76, यानी हमारा आंसर ये नहीं आएगा बल्कि 190 अपॉन 4 आएगा। चार से मैं डिवाइड करूं, चार चौके 16 कितना बचा 30, चार चौके 16 3 0 4 7 28 47 पॉइंट समथिंग आएगा, 49 है 47 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 47.5। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें आंसर तक पहुंचना होता है और हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पेपर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। PDF जो है क्लास 7 और 8 की दोनों की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, जैसे ही वीडियो होगा उसके बाद आपको PDF मैं दे दूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसकी वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अगर आप को एक मेरा पेड कोर्स है, इस ये पेड कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी SSC CGL 2019-20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल मेंस पेपर 2010 से लेकर के 2018 तक मेंस पेपर जितने भी आए हुए मेंस के पेपर सारे यहाँ पे मैं कवरअप करा रहा हूँ। इसमें आपको PDF क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में PDF सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ सभी इन सारी को कि एज वेल एज आपको वीडियो सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन की आपको मिलेगी। और ये करंटली गोइंग ऑन चल रहा है सेशन, इसकी वैलिडिटी है आपको लाइफ टाइम तक, आप यूज कर सकते हैं इसको। इस कोर्स की फी है 1199 रुपीज। इसमें जितने भी मेंस के पेपर हैं आपको कराया जा रहा है और फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पेपर पे मूव किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस सेशन में। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, PDF सॉल्यूशन भी मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है। अब बात आती है कैसे इसको बाय करोगे, तो इसके लिए आपको तीन चार ऑप्शन दे रखा हूँ। पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गिवन है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा गूगल पे ऐप्स नंबर है। फोनपे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोनपे ऐप्स नंबर गिवन है। ठीक है, अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा अकाउंट डिटेल्स भी दिया गया है, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी हमें पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको कैसे कोर्स में इनरोल होगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही आप उस लिंक में ऐड होते हो आप उस कोर्स में ऐड हो जाओगे और उसके बाद आप उस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर डेफिनेटली लाइक कर दिया कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। एंड आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे 21 पेपर कंप्लीट करा दूं तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है ताकि उनको PDF और जो पिछले का पास्ट लेक्चर्स है वो मिल जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है दिया गया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 21 पेपर में 4 पेपर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया, नेक्स्ट पेपर 5 आपको कल आपको मिलेगा अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।